जननायक जनता पार्टी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता व नेता पार्टी को अलविदा कहते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत गोराया ने पार्टी को छोड़ दिया था। उसी के चलते आज जननायक जनता पार्टी आईटी सेल के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह महला ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बहादुर सिंह महला ने कहा कि वह शुरू से ही किसानों की राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने किसानों के घर में ही जन्म लिया है, परंतु जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है और वह पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ आईटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए बहादुर सिंह ने कहा कि ये पार्टी जननायक देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रही थी, परंतु देवीलाल द्वारा जो किसानों के हित में कार्य किए गए उनकी अनदेखी की जा रही है और किसानों की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी को त्याग पत्र देने का मन बना लिया है और वह किसानों का पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया है कि वह किस पार्टी में जाएंगे, वह सिर्फ अभी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों के साथ बैठकर किसानों का साथ देने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर आईटी सेल के अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। कि हम बड़े दुखी मन से आज पद छोड़ने की हमने सोची है, क्योंकि हमारा जन्म किसान के घर में हुआ है और किसान निरंतर पिछले 2.5 से 3 महीने से जो 3 कृषि काले कानून केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी जो जननायक जनता पार्टी है वो भागीदार बनी हुई है सत्ता की बीजेपी के साथ। तो हमारा आग्रह था सरकार से, हमारी जननायक जनता पार्टी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से, भाई हमारे को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, किसान और कमेरे वर्ग का इसमें कोई इतनी है। हमारे को दुष्यंत चौटाला में युवा देवीलाल के रूप में नजर आता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया वहीं हमारी भावनाएं आहत हो चुकी थी। हमारा बिल्कुल भी निर्णय नहीं था भाई हम बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि उद्योगपतियों की संघियों की कच्चादारियों की पार्टी है और जेजेपी का जो बेस है वो किसान है, गांव-गांव से जुड़ी हुई पार्टी है जेजेपी। बड़े बड़े जमींदार, छोटे जमींदार, गरीब मजदूर सब किसान देवीलाल से जुड़े हुए थे। हमने सोचा ये पढ़ लिख के बाहर से पढ़ लिख के आया है और किसान का खून है तो ये ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा। मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ, लगातार सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर लगातार सेवा कर रहे हैं, यहाँ गरोंडा टोल टैक्स पे हम सेवा कर रहे हैं, टोल फ्री भी हमने कराए हैं। अब कुछ शरारती तत्वों ने लेक पे लंगर उठवा दिया था, उसमें भी हमने हमारे जो गवंडी सलारू दर्ड कुराड़ी रंबा चूरणी के लोगों के साथ हमने मिलकर वहाँ लंगर सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू कराई है। हमारा कहीं भी कोई राजनीति करने का भी मन नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.